हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। भाई आपके सामने खड़ी 2023 रेनो की क्विड RXT मॉडल। इसका मैं फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। भाई इसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, भाई कम पैसे में बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको क्विड में देखने मिल जाते हैं एंड अच्छी मालिश देखने मिलती है और अच्छे अच्छे फीचर्स देखने मिलते हैं। इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। भाई इसमें आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है, माइलेज क्या मिलती है, इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन टायर प्रोफाइल सब एक-एक करके डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए भाई इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही अपने कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइस वाराणसी नियर बाय बिलोंग करते हैं, रेनॉल्ट की कोई भी कार चाहिए कम टू द वाराणसी रेनॉल्ट, चेक आउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। एंड गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है क्विड में। पीछे टू बटन देखने मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक के। यहाँ पे भाई आपको रेनो की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड गाइस अगर वेरिएंट को देखा जाए तो टोटल 7 वेरिएंट में अवेलेबल होती है एंड 7 कलर ऑप्शन साथ देखने को मिलती है। ये आपके सामने भाई खड़ी हुई है अपनी RXT मॉडल, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है एंड 5.67 लाख इसके आपको एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। और प्राइसिंग की बात करें भाई तो 4.69 लाख से स्टार्ट होती है बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल तो जाती है 6.32 लाख एक्सोरूम। और भाई ये वाली जो वेरिएंट है काफी ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस ओवरऑल फ्रंट को देखते हैं तो ऐसा कुछ लुक निकल के आ जाता है, काम की भाई इसमें पूरी चीज मिलती है और काफी ठीक सी लगती है, प्यारी सी लगती है फ्रंट से। यहाँ पे अगर आप ग्रिल देखते हो पूरा ब्लैक बॉडी में ग्रिल मिलता है। यहाँ पे क्रोम की ट्रीटमेंट की गई, रेनॉल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा हुड देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉशर इसके हुड पे सेंटर में। एंड अगर देखते हैं पूरे हेडलैम्प को तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको LED प्लस हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प देखने को मिलता है। अगर आप देखते हैं भाई नीचे हाई बीम लो बीम तो ये पूरा आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन देखने को मिल जाता है। नीचे कुछ हाउसिंग मिलेंगी भाई, ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर हैलोजन मिल जाता है एंड LED DRL देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है भाई। अगर आप जलते समय इसको देखोगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। एंड एक चीज सही क्या है कि ठीक है सब हैलोजन है तो एक चीज यहाँ पे आपको LED फ्रंट में देखने को मिल जा रही है। एंड गाइस ये है इसके ओवरऑल फ्रंट। नीचे आते हो तो भाई नीचे आपको कुछ ऐसा बम्पर ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप एंड गाइस कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे भाई आपको टो हुक के लिए एक देखने को मिलेगा नोब। एंड आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ तो ये है गाइस जिसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल, लेफ्ट साइड प्रोफाइल है ये। सबसे पहले टायर को हम लोग देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपको C8 के टायर देखने को मिल जाते हैं। 165/70 सेक्शन का टायर मिलता है विद 14 इंचेस ऑफ रिम व्हील। ऊपर आपको व्हील कैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लाइडिंग कुछ ऐसी मिलती है, क्लाइडिंग पे यहाँ पे आपको छोटा सा टर्न लाइट इंडिकेटर हैलोजन देखने को मिलेगा। फेंडर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और गाइज ये है इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ORVM देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको अलग कलर का ORVM मिलता है ग्रे फिनिश में, हल्का वाइट भी है ये। एंड ये जो ORVM है भाई इसको आप मैनुअली एडजस्ट करोगे। एंड यहाँ पे अगर देखते हो डोर हैंडल को तो ब्लैक कलर का डोर हैंडल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो बिडिंग देखने को मिलती है भाई वो ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रूफ टॉप भी ब्लैक मिलता है, ऊपर कोई भी रूफ रेल नहीं है। एंटीना फ्रंट में आपको बड़ा सा देखने को मिलता है। एंड भाई यहाँ पे आपको क्लाइडिंग देखने को मिलता है जहाँ पे 1.0 की बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये है इसका रियर फेंडर, काफ़ी ठीक सी लगती है भाई साइड से फ्रंट से। और रियर को आप देखते हो तो भाई रियर की प्रोफाइल कुछ ऐसी निकल के आ जाती है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो भाई एंटीना देखने को मिलेगा, रूफ बॉडी कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी आपको स्पॉइलर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड भाई यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलता है आपको, ना ही वाइपर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको क्विड मिल जाएगा, क्विड के यहाँ पे आपको गाइस क्विड का लोगो मिलेगा, उसी के बीच में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, क्विड की ब्रांडिंग। यहाँ से गाइस आप अपना पीछे का ट्रंक ओपन करोगे बूट स्पेस के लिए। एंड अगर देखते हो टेल लैंप को तो भाई यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन सेटअप मिलता है, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, टर्न लाइट इंडिकेटर, पूरा हैलोजन देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर बेस, नीचे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके बोनेट पे। एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप मिलेगी पूरी। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पे आपको भाई 279 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भाई डेमो रखा गया है सामान। और यहाँ पे ऊपर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाता है जिसको आप निकाल भी सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इतना सामान रखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बैग है एंड यहाँ पे आपको एक बैग देखने को मिल जाता है, एक बैग ये। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा फुल साइज का 3 बैग आप कैरी कर सकते हो। तो मतलब 279 लीटर का बूट स्पेस प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा इनफ है। एंड इसी के नीचे गाइस आपको मिल जाते हैं स्पेयर व्हील, मैं आपको दिखा देता हूँ सामान है। वैसे इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा भाई आपको इसका बूट स्पेस देखने को मिल जाता है 279 लीटर का। एंड इसको भाई वापस से प्लेस कर देते हैं तो काफ़ी ठीक सा चीज़ है यार। यहाँ पे आपको पूरा डेमो करके दिखाया गया है कि क्या क्या सामान यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी 3 फुल साइज के बैग देखने को मिलेंगे। ऊपर भाई आपको यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। एंड गाइज इसको आप पीछे से यहाँ से ओपन कर सकते हो एंड आगे भाई ड्राइवर साइड से। यहाँ पे आपको कोई भी पावर बटन देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी इसकी पूरी रियर की प्रोफाइल। एंड गाइज राइट साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे फेंडर पे तो फ्यूल नोब देखने को मिलेगा, 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो भाई मिनिमम 30 तो रहना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। कोई भी रूफ रेल नहीं मिलता है। यहाँ पे बिडिंग ब्लैक सा मिलता है। यहाँ पे आपको भाई डोर हैंडल ब्लैक कलर का मिल जाता है, 1.0 की ब्रांडिंग।
सो गाइस ये थी इसकी पूरी वॉक अराउंड, फ्रंट प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल एंड साइड प्रोफाइल एंड इसका बूट स्पेस। अब बात कर लेते हैं भाई इसके हम लोग डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स की। सबसे पहले कर्व वेट की बात करें तो भाई 699 केजी की कर्व वेट मिल जाती है। ओवरऑल वेट की बात करें तो 1579 एमएम की वेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आप देखते हैं तो भाई 184 एमएम की बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्विड में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1474 एमएम की हाइट देखने को मिल जाती है। 3731 एमएम की लेंथ देखने को मिलती है एंड 2422 एमएम की यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने को मिल जाती है। तो व्हील बेस भी काफ़ी ठीक है भाई। यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मुझे सबसे बढ़िया लगा भाई कि आपको इसमें भाई 184 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 28 लीटर की मिलती है एंड 279 लीटर की भाई बूट स्पेस मिल जाती है। तो गाइस बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो काम के सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको भाई देखने को मिल जाते हैं लाइक 2 एयर बैग्स, एबीएस, सीबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। रियर में 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको और भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं लेकिन जो मेनली था भाई वो मैं आपको बता दिया, 2 एयरबैग फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये थे इसके डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स। अब चलते हैं हम लोग इसके फर्स्ट रो सीट पे और देखते हैं भाई वहाँ क्या क्या मिलता है। चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे डोर हैंडल को। तो यहाँ पे भाई आपको ब्लैक कलर का डोर हैंडल मिलेगा। यहाँ पे आपको फिजिकल की का एक नोब मिल जाएगा व्हीकल को लॉक अनलॉक करने के लिए एंड सेंट्रल लॉकिंग भाई इसमें आता है। एंड ये है इसका पूरा भाई फ्रंट का गेट। यहाँ पे ऊपर आपको लॉक अनलॉक का लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे भाई आपको ब्लैक कलर का डोर लीवर पूरा हार्ड प्लास्टिक वाला सील मिल जाता है। कुछ स्पेस मिलेगा। नीचे भाई आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर। स्पीकर भाई आपको यहाँ डोर पे नहीं मिलता है। स्पीकर आपको मिलेगा आगे भाई डैशबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा स्पीकर। एंड ये है भाई इसका पूरा केबिन। अंदर चल के बात करेंगे। सबसे पहले अगर सीट को देखते हैं भाई तो पूरा फैब्रिक सीट्स आता है। यहाँ पे हेड रेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड हेड रेस्ट आता है, एडजस्टेबल नहीं है। सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं आता है। यहाँ से सीट को भाई अपना आप मैनुअली आगे पीछे करोगे। सो गाइस कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। एमआईडी देखते हैं तो पूरा डिजिटल एमआईडी मिलता है। बीच में एक आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है भाई, जहाँ पे आपको भाई ट्रिप मीटर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, डिस्टेंस ह्यूमिडिटी वगैरह सब यहाँ देखने को मिलेगा। एंड बाकी यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है टर्न लाइट इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन, सीट बेल्ट वार्निंग, डिजिटल फ्यूल गेज। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर इधर देखने को मिलेगा, टैकोमीटर देखने को मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, इको मोड, पावर मोड, सबका बैजिंग देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग को देखते हैं भाई तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिल जाता है यहाँ पे पूरा आपको। बीच में रेनो की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे क्रोम की ट्रीटमेंट की गई है भाई। नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। और भाई ये फिक्स स्टेयरिंग देखने को मिलता है, ना टेल्ट है ना टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टेबल नहीं मिलता है। यहाँ पे इधर देखते हो भाई राइट साइड में टॉगल को, तो इधर मिल जाते हैं आपको लाइट कंट्रोल एंड इधर आपको वाइपर कंट्रोल टॉगल में मिल जाते हैं। यहाँ आपको भाई मिल जाता है लाइट्स की कंट्रोल। इधर आपको एसी वेंट्स भाई देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको मिल जाती है क्रोम की फिनिशिंग। फ्रंट में स्पीकर मिलेगा। नीचे भाई आपको मिल जाते हैं लाइट लिवर वगैरह। इधर मिल जाता है भाई आपको आगे का हुड ओपन करने के लिए। एंड इधर देखते हो तो भाई मिल जाते हैं आपको 3 पैडल्स एंड सेंटर कंसोल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बीच में 2 एसी वेंट्स मिलेंगे। पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेंगे जो सपोर्ट करती है ऑटो कारप्ले, एप्पल कारप्ले को। 2 स्पीकर के साथ आती हैं तो फ्रंट में दोनों स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भाई आपको पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपना पावर विंडो कंट्रोल करोगे। बीच में आपको हैजार्ड का भाई लाइट मिल जाता है। यहाँ पे व्हीकल को लॉक करने का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे एसी देखने को मिलता है जो कि भाई मैनुअल है। इधर देखोगे भाई आपको मिल जाता है यूएसबी पोर्ट, इधर पावर सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिलेगा सामान वगैरह रखने के लिए, सेम इधर भी मिलेगा। एंड भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है गियर लीवर। एंड अगर आप देखते हो तो भाई गियर लगाने पे यहाँ पे कुछ ऐसा इसका मिल जाता है रियर कैमरा। कैमरा की क्वालिटी भाई यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पे आपको नहीं मिलता है भाई ट्रैजेक्टरी गाइडलाइन, सिर्फ नॉर्मल ऐसे आपको देखने को मिलेगा। भाई ठीक है क्वालिटी, इस प्राइस रेंज में आपको क्या ही चाहिए, तो भाई सही मिल जाता है यहाँ पे आपको। अभी ये हट भी जाएगा वापस। एंड ऊपर भाई मिल जाता है आपको लाइट, इधर आपको मैनुअल डेनिम IRBM। सनवाइजर देखते हैं तो भाई कोई भी टिकट होल्डर मिरर नहीं है, यहाँ माइक मिल जाता है। इधर आ जाता है भाई आपको सनवाइजर विथ नो एनी टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर। एंड यहाँ पे क्विड की ब्रांडिंग, SRS की, SRP एयरबैग की ब्रांडिंग मिलेगी। कुछ स्पेस भाई आपको मिल जाता है, काफ़ी सही सही स्पेस मिलता है, काफ़ी डीप है भाई ये। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेम मिल जाता है आपको पैसेंजर साइड डोर। ऊपर आपको कोई भी हैंडल वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं भाई, कुछ ऐसा मिलता है आपको अपने क्विड का आगे डैशबोर्ड RXT मॉडल का। काम की पूरी चीज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे भाई देखेंगे आप हैंड ब्रेक मिल जाता है, इधर आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिलती। सीट बेल्ट का यहाँ पे आपको नोजल मिल जाएगा। एंड इसको करते हैं भाई हम लोग ऑफ और चलते हैं सेकंड रो सीट पे और देखते हैं भाई वहाँ क्या मिल जाता है। तो भाई सेकंड रो डोर को सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डोर हैंडल मिलता है और कुछ ऐसा डोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भाई आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएगा अपने डोर पे। यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है, पूरा प्लास्टिक फिनिश मिलता है। डोर लीवर यहाँ मिलेगा, डोर लॉक एंड अनलॉक का लीवर मिलेगा। नीचे आपको स्पीकर वगैरह कुछ नहीं मिलते। और भाई ये है इसका पूरा इंटीरियर। एंड आगे वाले सीट को भाई मैंने पूरा ही पीछे कर रखा है। एंड
एंड गाइस डैशबोर्ड चेक करो, कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है फ्रंट का। यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिलेगा रूफ पे, एंड रियर में कोई भी लाइट नहीं देखने को मिलता है ऊपर। एंड जो हेडरेस्ट है वो रियर में भाई आपको मिल जाते हैं, फिक्स हेड एडजस्टेबल नहीं है, पीछे पार्सल ट्रे मिलता है, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, एंड सीट फैब्रिक के हैं। स्पेस ठीक मिल जाता है आपको भाई, स्पेस ऐसा नहीं है बहुत छोटा, एस्प्रेसो से कंपेयर करेंगे तो बहुत सही यहाँ पे आपको भाई इंटीरियर स्पेस देखने को मिल जाता है, और इंटीरियर भी एस्प्रेसो से काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। एंड भाई कुछ ऐसा पूरा लुक है, अगर आप देखते हो नी रूम को तो भाई आगे वाले सीट को मैंने पूरा पीछे, इधर आ जाते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा भाई आपको नी रूम देखने को मिलेगा। लेग रूम भी ठीक है, और स्पेस आप लोग देखो। एंड अगर देखते हो हेड रूम को तो भाई कुछ ऐसा हेड रूम मिलता है, पसीने को भाई प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, हेडरूम ठीक मिल रहा है, इंटीरियर स्पेस भी भाई इसमें आपको सही मिलता है। चलते हैं बाहर, ऊपर यहाँ पे भाई आपको हैंडल वगैरह सब देखने को मिलता है। एंड गाइस अब हम लोग ओपन कर लेते हैं भाई अपने हुड को, और बात करते हैं भाई इंजन में आपको क्या पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है। सो गाइस हुड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हुड के ऊपर देखोगे तो आपको इंसुलेटर प्रॉपर मिल जाता है, यहाँ पे आपको भाई पाइप मिल जाएगी अपने वॉशर की, यहाँ से भाई आप अपना पानी भरोगे वॉशर के लिए। इधर आपको कूलेंट मिल जाता है, यहाँ पे भाई आपको बढ़िया सा इंजन मिल जाता है, यहाँ पे भाई आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड ये है भाई इसकी पूरी इंजन। बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो 999 cc 3-cylinder नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है मैक्स पावर 67.06 bhp 5500 rpm पे। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 91 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है इसमें भाई आपको 4250 rpm पे। तो पावर एंड टॉर्क भाई इस व्हीकल के डायमेंशन एंड वेट के हिसाब से भाई ठीक है, इजिली ये आराम से आपको बढ़िया पावर निकाल के दे देगी। और माइलेज की बात करें भाई तो यहाँ पे आपको ये इजिली 21.46 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे देगी। सो गाइस ये था भाई अपने रेनो क्विड का पूरा फुल डिटेल रिव्यू। यहाँ पे भाई मैंने इसका डायमेंशन, वेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइलेज, बूट स्पेस, टायर प्रोफाइल सब कवर कर लिया है, एंड प्राइसिंग मैंने बता दिया है, और होप करता हूँ आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी क्विड के रिगार्डिंग। भाई अगर देखा जाए कि अगर आपके फैमिली में चार लोग हैं तो इजिली आप इस व्हीकल को ले सकते हो, पांच लोग भी हैं तब भी ठीक है। यहाँ पे आपको भाई अच्छी फीचर्स मिल जाते हैं, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, सेफ्टी भी ठीक मिलती है, व्हीकल में परफॉर्मेंस भी भाई सही है। यहाँ पे लाइटिंग को देखते हो तो यहाँ पे हैलोजन लाइट, LED, DRL भी मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट तो ठीक है। टायर प्रोफाइल भी आपको ठीक मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत छोटा देखने मिलता है, यहाँ पे आपको बढ़िया भाई 14 इंचेस के मिल रहे हैं रिम व्हील तो ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लुक भी सही देखने को मिल जाता है, चाहे बात करो फ्रंट से एंड रियर की ठीक मिलता है। एंड गाइस अगर मुझसे कोई भी चीज मिस हो जाता है भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, और होप करता हूँ सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट हमेशा पाने के लिए। मिलते जैसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।